फ्रेंड्स पर। करंट लगने से 18 वर्षीय युवक की मौत से फैली सनसनी। रेत चोरी के मामले में पुलिस ने किया रेत से भरा डंपर जब्त। अब खबरें विस्तार से। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना अंतर्गत चंदेरा के कस्बे में रहने वाला 18 वर्षीय युवक की कूलर चलाने के लिए बिजली ठीक करते समय अचानक करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आकाश पुत्र रमेश प्रसाद साहू 2 बजे के लगभग अपने घर पर कूलर चलाने के लिए बिजली ठीक कर रहा था, तभी डोरी से अचानक करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। जैसे ही परिजन मौके पर पहुंचे तब उन्होंने तुरंत बिजली बंद कर युवक को उठाया और गंभीर हालत में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक की मौत हो गई। डॉक्टरों ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना थाना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया जी? सब लग जाती है। किसको ले गई? मेरा छोटा भाई। आपका छोटा भाई? क्या नाम है उसका? आकाश का। कैसे लगी थी? ये अंदर लाइट कूलर की लाइट डूब लगा आगे उसके उसके हाथ में दूरी लग गई। दूरी लगने के बाद ये गिर पाई। थोड़ी देर बाद इनके पिताजी जब वहाँ पर पहुँचे वो चिल्लाए तो हम सब लोग इकट्ठे जुड़े उसको उठाया, उठा के सूदे यहाँ पर अस्पताल में लाए। अस्पताल में उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर की ग्राम गुदौर में रेत चोरी के मामले में पुलिस ने किया डंपर को जब्त। रेत माफियाओं के द्वारा रात के अंधेरे में निर्देश जारी किए गए जा रहा था, लेकिन जिस 4 साल बीत जाने के बाद भी उक्त जमीन ग्राम पंचायत को नहीं मिल सकी, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है, जिसको लेकर जिस पर आज जतारा एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के द्वारा जनपद पंचायत के सहायक यंत्री देव आनंद शुक्ला, उप यंत्री राजेंद्र कोरी के साथ औचक निरीक्षण किया और जमीन हकीकत जानी बताया और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। कब आरोपी पुलिस की पकड़ में आते हैं? पलेरा से रामू खान की रिपोर्ट। एक खनिज अधिकारी द्वारा एक अपराध क्रमांक 283/20 कायम कराया गया था चोरी के संबंध में। तहसीलदार पलेरा द्वारा एक डंप जब्त किया गया था ग्राम बुदौर में, तो उसमें 10 ट्राली रेत चोरी चली गई थी, जो खनिज अधिकारी द्वारा अपराध कायम कराने पर विवेचना की गई, जिसमें पाया गया कि यह डंपर क्रमांक 0880MP36H इसके द्वारा घटनास्थल से घटना दिनांक की रात्रि में रेत ले जाई गई थी। जो जांच पर ये पाया गया कि स्वतंत्र यादव माची देवी सिंह देवराहा के द्वारा इसी डंपर के माध्यम से रेत चोरी की गई थी, जो कल दिनांक की रात्रि में इसको डंपर को मैं रेत के जब्त किया गया। सर और भी वो उसके संबंध में अभी जांच चल रही, पता जैसे ही पता चलता है उस पर कार्रवाई की जाएगी।